हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जो है सुबह का टाइम हो रहा है 7:30, और मैं जो है मुझे इन्होंने जो है कल गिफ्ट दिया है, जो मैं बोल रही थी कि ये गिफ्ट देंगे तो इन्होंने कल गिफ्ट दिया, तो मुझसे जो है मैं रुक ही नहीं पाई। मैं सोच रही थी कि जब मैं दोपहर शाम का ब्लॉग बनाऊँगी उसमें बताऊँगी, लेकिन फिर मैं सोच रही थी कि नहीं, अभी मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ और मैं जो गिफ्ट दिया है वो बता देती हूँ, क्योंकि जब मैंने बोल दिया था तो फिर मैं मतलब रुक ही नहीं पा रही थी कि थोड़ी देर मतलब थोड़ा टाइम रुक जाऊँ, क्योंकि जो है मैं शाम का ब्लॉग बनाती तो उसमें बताने चाह रही थी, लेकिन फिर जो है मैंने सोचा चलो अभी इनाया वगैरह सो रही थी तो फिर मैंने बोला चलो अभी बात कर लेती हूँ और अपना जो गिफ्ट है वो बता देती हूँ। तो जिससे आप लोग भी पूछ रहे थे बार बार कि क्या गिफ्ट दिया है, क्या गिफ्ट दिया है, तो इसीलिए जो है मैं मतलब अभी कैमरा लेकर बैठ गई। और पहले मैं जो है कुछ कमेंट के जवाब दे चाह रही हूँ पहले, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, तो फिर मैं सोच रही थी कि कुछ अलग मतलब ब्लॉग बनाऊँगी उसमें मैं ये कमेंट के जवाब लूँगी। तो जैसे कि आप लोग पूछ रहे हैं कि आप जो है यूट्यूब पर कैसे आई, और एक आ रहा है कि आपने डिलीवरी के बाद वेट लॉस कैसे किया। तो मतलब मैं पहले जो है यूट्यूब के बारे में बताती हूँ कि मैं यूट्यूब पे कैसे आई। तो जैसे कि मैं मतलब पहले क्या था, जब हमारी शादी हुई थी मतलब उसके मतलब आलिया हो गई थी, आलिया कुछ बड़ी भी हो गई थी, फिर उसके बाद मैं मतलब इनसे बातें करती थी पहले कि अब मैं भी है ना बचपन में सोचती थी कि सभी सोचते हैं मतलब जब पढ़ते हैं तो सब सोचते हैं कि हम पढ़ जाएंगे, ज़्यादा पढ़ जाएंगे तो फिर हम कुछ जॉब वगैरह करेंगे। हर किसी का कुछ ना कुछ सपना रहता है कि हमें ये बनना है या हमें वो बनना है। तो मैं भी मतलब यही सोचती थी कि अगर मैं ज़्यादा पढ़ जाती हूँ तो मैं कुछ जॉब वगैरह करूँगी, लेकिन कुछ घर की परिस्थितियों की वजह से जो है मुझे पढ़ाई जो अपनी रोकना पड़ी थी, क्योंकि मतलब कुछ था घर पे, तो इस वजह से जो है मैं सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ पाई और वहीं पर मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। तो फिर मैं ये यही बात मैं इनसे बोल रही थी, तो फिर ये बोलने लगे अभी भी कर सकती हो। तो मैंने बोला मैं तो अभी इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मतलब 12वां क्या होता है आज के ज़माने में, कुछ नहीं, 12वीं तक तो ऐसे ही पढ़ जाते हैं, तो इसमें कोई जॉब वॉब भी नहीं है। तो फिर ये बोलने लगे कि यूट्यूब तो है सबसे बड़ी जॉब। तो मैंने बोला जब मुझे पता भी नहीं था मतलब यूट्यूब, तो फिर इन्होंने मुझे जो है यूट्यूब के बारे में बताया। तो फिर ये बोलने लगे कि तुम खाना बनाती हो, सबसे पहले जो है हमने खाने का चैनल खोला था मैंने, तो फिर इन्होंने बोला कि जो खाना बनाती हो उसकी रेसिपी बना के शेयर करो सबसे। तो फिर बस जो है इन्होंने मेरा चैनल शुरू किया, मतलब चैनल बनाया और मुझे जो है सब चीज़ के बारे में बताया इन्होंने ही। जो है मैं वैसे भी बोलती हूँ आप लोगों से हर चीज़ सपोर्ट करते, तो इसमें भी जो है सबसे बड़ा सपोर्ट मुझे इसमें इन्होंने करा है, और इन्हों की वजह से मुझे जो है आप लोग सब लोग मुझे जानते हो इतनी दूर दूर तक, मतलब नहीं तो क्या मैं सोचती थी सिर्फ मेरी मतलब छोटी सी पहचान है कि बस घर में एक मैं हाउस वाइफ हूँ, लेकिन आज जो है इन्हों की वजह से जो है आप सब लोग मुझे जानते हो, पहचानते हो और मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। तो बस इन्हों के वजह इन्होंने ही जो है मुझे सब समझाया और बताया, मुझे सपोर्ट किया। तो फिर बस मैंने जो है खाने का चैनल शुरू किया और जो है आप लोगों से रेसिपी शेयर करने लगी। तो फिर रेसिपी बनाते हुए मुझे जो है 1 साल हो गई, और फिर उसके बाद जो अभी रमजान आए थे उसी से मैंने उस जब से मैंने जो है अपना ब्लॉग बनाना शुरू किया, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो रेसिपी तो डालते ही हैं बनाते हैं, लेकिन रेसिपी के साथ साथ मैं अपनी जो भी मेरी लाइफ स्टाइल है, जो भी मेरी मैं अपने घर में करती हूँ, वो सब चीज़ आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो बस इसीलिए जो है मैं जब से ब्लॉग बनाना शुरू करने लगी, वो उसका भी जो है आइडिया मेरे हस्बैंड ने ही दिया था कि तुम इसके साथ साथ ये भी कर सकती हो, क्योंकि आजकल जो है ब्लॉग चल रहे हैं। तो फिर बस अब मैं ब्लॉग बनाने लगी, तो उससे आप लोग मुझे और ज़्यादा जानने लगे, क्योंकि रेसिपी में तो जो है सिर्फ मैं उतनी बातें करती थी। तो बस इसी ऐसे ही चलता रहा, और मेरा जो है अभी 2 साल कंप्लीट हो जाएगा, जब फरवरी आएगी तो मुझे 2 साल हो जाएंगे यूट्यूब पर। तो बहुत ही अच्छा सफ़र है मेरा अभी अभी तक चल रहा है, क्योंकि आप लोगों से मेरी बातें होती हैं और आप लोग मतलब आप लोग मेरे मुझे एक और परिवार मिल गया है यूट्यूब का,
आप लोग मुझे एक और परिवार, जैसे कि शादी से पहले हमारा एक परिवार होता है और फिर शादी के बाद दूसरा परिवार भी मिल जाता है, लेकिन मुझे तो जो है तीन परिवार है मेरे, तो आप भी मेरे तीसरा परिवार हो, तो बस और बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए अब तो जो है आदत सी हो गई है वीडियो बनाने की, आप लोगों से बातें करने की, तो इसीलिए तो मैं आज सुबह सुबह मतलब लेके कैमरा बैठ गई हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए, क्योंकि मुझे जो है हर चीज़ जो है कुछ भी अगर होता है तो लगता है कि आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँ। तो बस यही था मेरा सफ़र और ये है मेरी स्टोरी कि मैं यूट्यूब पर कैसे आई हूँ। और अब जो है ले लेती हूँ कि आप बोल रहे थे कि वेट लॉस कैसे किया डिलीवरी के बाद, तो मैंने वेट लॉस तो ये है कि मतलब बच्चों के वजह से कोई एक्सरसाइज तो भी कर नहीं सकते और फिर ऊपर से सिजेरियन है तो भी कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिजेरियन में जो है 4 महीने के बाद ही कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि और पता नहीं है मतलब अगर किसी का, क्योंकि मेरा थोड़ा सा, क्योंकि मेरा दूसरा भी सिजेरियन है तो इसलिए अभी जो है डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है। मैंने पूछा था वहाँ पर तो उन्होंने मना किया था कि अभी कोई एक्सरसाइज नहीं करना हाल फिलहाल 2-3 महीने तक, मतलब 3 महीने के बाद ही कुछ। तो फिर जो है मैंने सोचा तो फिर जब तक तो जो है और वेट बढ़ जाएगा मेरा, क्योंकि तो होता है ना कि अगर हम बैठे रहे हैं तो वेट, और खाएंगे घी वगैरह खाएंगे डिलीवरी के बाद तो खाना ही रहता है तो फिर उससे तो वेट बढ़ेगा ही तो है ना, मतलब जे अगर अपन बैठे रहेंगे, अगर मैं बैठी रहती हूँ तो फिर तो बढ़ेगा वेट। तो बस मैंने क्या किया है कि मतलब एक आपने देखा ही है कि मैं चलती फिरती रही हूँ, मेरे 15 दिन होने के बाद जो है मैं बैठी नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चलना अच्छा रहता है सिजेरियन के बाद, क्योंकि डॉक्टर बोल रहे थे कि जितना ज़्यादा चल मतलब जितना चलोगी उतनी जल्दी आप ठीक होगी। अगर जैसे कि बैठ जाते हैं कि सोचते हैं कि हमारा सिजेरियन हुआ है नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे, तो इससे जो है हम देर में ठीक होते हैं। तो बस मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं गर्म पानी पीती हूँ, गर्म पानी वो भी इतना कि जैसे कि हम चाय पीते हैं चाय बनाते हैं ऐसा गर्म पानी मैं लेकर बैठती हूँ 1 गिलास और उसको जो है घूट घूट करके पीती हूँ, तो ये मेरा सुबह का हो जाता है। और फिर मतलब दिन में मैं जब भी पानी पीती हूँ मैं गर्म ही पीती हूँ, मतलब फिर दिन भर इतना गर्म नहीं पीती हूँ कि गुनगुना पानी के हाँ कुछ गर्म पी रहे हैं ऐसा लगने चाहिए, इतना गर्म मैं पानी सारा दिन ऐसा ही पीती हूँ। और जो है राइस वगैरह नहीं लेती हूँ, मन करता है तो थोड़े से ले लेती हूँ, क्योंकि अब खाते हैं तो आदत है और अगर जो चीज़ हमें पसंद है तो वो छोड़ तो सकती नहीं है, तो इसलिए जो है मैं थोड़े थोड़े मतलब हर चीज़ जो भी मुझे पसंद रहती है थोड़ी थोड़ी ले लेती हूँ, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा लेविन में खा रहे हैं हर चीज़ तो उससे तो जो है फिर हैवी होएंगे, तो मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ लेती हूँ। राइस भी मैं खाती हूँ, छोड़ा नहीं है मैंने, तो थोड़ा थोड़ा लेती हूँ, वो भी अभी से खाना शुरू किया है 1.5 महीने के बाद, अब तो खाती हूँ। और जो भी है मतलब और चलना फिरना, क्योंकि हाउसवाइफ हैं तो काम तो रहता ही है, तो अलग से तो एक्सरसाइज करने के लिए टाइम रहेगा नहीं, क्योंकि अब तो दो दो बच्चे हैं तो ये तो नहीं है कि अलग से एक्सरसाइज करने के लिए टाइम निकालें, क्योंकि इनमें ही थक जाते हैं और अलग जो है एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें ज़्यादा थकावट हो जाएगी, तो बच्चों को संभालने में इनाया जब होती है तो उसको लेके घूमना है तो वही घूमना हो जाता है, और के काम करते हैं तो वो भी चलना फिरना वो भी एक्सरसाइज ही होता है। तो बस ऐसे जो है मैंने अपना जो है दिन अपना बना के रखती हूँ, तो ऐसे ही मैं अपना जो है वेट मेंटेन करना चाह रही हूँ कि ऐसे ही मेरा जो है वेट सही रहे और कम भी हो जाए, मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि और कम हो जाए मतलब जो रहता है। तो अब मैं बताती हूँ गिफ्ट जो मुझे गिफ्ट दिया है इन्होंने, तो ये है गिफ्ट, तो आप इससे सोच तो रहे होंगे कि कुछ ज्वेलरी है, और जैसे कि मैं बोल रही थी कि कुछ ज़रूरत की चीज़, तो बस इन्होंने मुझे वही दिया है जो मुझे ज़रूरत थी और इन्होंने खुद से ही दिया है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था क्या देना चाह रहा है, लेकिन उन्होंने जो है सोच रखी थी कि मैं क्या चाहती हूँ, तो बस वही बताती हूँ। और ये हमेशा मुझे ऐसा ही गिफ्ट देते हैं मतलब जो मुझे चाहिए होता है, ज़्यादातर इन्हें खुद से ही पता चल जाता है कि मुझे क्या चाहिए, तो इन्होंने जो है मुझे दी है ये पायल, तो ये इस बार बहुत ही प्यारी सी मतलब लेकर आए हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छा डिज़ाइन लग रहा है और मुझे पसंद भी आया है,
इस तरीके से ये बजने वाली है क्योंकि मेरे जो है अभी तक मतलब मम्मी लेकर आती थी तो मम्मी जो है बजने वाली नहीं लेके आती थी, तो फिर मैं सोचती थी कि बजने वाली क्यों नहीं लाती है, क्योंकि वो सिर्फ यही बजने वाला लाती थी। लेकिन इस बार जो है ये इधर भी घूम पड़े हुए हैं तो ये भी बजने वाले हैं, तो मुझे बहुत ही पसंद आए हैं और इसका डिज़ाइन भी जो है बहुत ही अच्छा है। तो ये पायल है और ये लाए हैं बिछिए, क्योंकि ये दोनों सेट हो गया ना पैर का तो ये बिछिए है, इसका भी जो है बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन है। तो ये दोनों चीज़ें लेकर आए हैं मेरे लिए गिफ्ट में, तो बस आज मैं इनको पहनूंगी तो ये था मेरा गिफ्ट जो इन्होंने दिया है और बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम जो है बिछिए हमेशा बिछिए और पायल चांदी की पहनते हैं, क्योंकि मतलब बहुत से होते हैं ना आजकल जो चलते हैं मतलब आर्टिफिशियल वो पहनते हैं, लेकिन मम्मी जी बोलती हैं कि मम्मी जी ने भी जो है हमेशा से जो है चांदी की पहनी है। और हमारे यहाँ की जो है दुकान है फेमस, ये सराफा, इसमें उल्टा दिखाई दे रहा है नवाब सराफा है, जो बहुत ही अच्छी दुकान है, तो हमेशा जो है हमारे पापा मम्मी भी मतलब वहीं से शुरू से लेते हैं, तो ये भी वहीं से लेके आए हैं क्योंकि इनको भी पता है। और ये हमेशा मतलब मुझे कुछ भी देते हैं तो वहीं से ला कर देते हैं, अगर और भी चीज़ें दी हैं इन्होंने पहले तो सोने चांदी में तो वहीं से ला के दी हैं। तो बस ये था मेरा गिफ्ट और अब जो है मैं बोल देती हूँ नाम जिसके मुझे नाम लेना है, तो बर्थडे विश करती हूँ पहले। तो आई विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे नैना, आई विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे फातिमा खान, आई विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे सामिया परवीन, और ये है जारा क्वामी के लड़के का बर्थडे है, आई विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अब नाम तो पता नहीं है तो इसलिए जारा क्वामी नाम ले दिया है तो वो समझ जाएंगे। तो अब जिसके नाम लेना है उनके नाम लेती हूँ, तो रेस उन्नीसा, रोजी, नीतू सिंह, सादिया, एलिना, जीनत खान, सना खान। तो ये थे आज के व्यूअर्स के नाम। तो बस इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पूरा करती हूँ और शाम को मैं जाऊँगी मार्केट इनाया की शॉपिंग करने, फर्स्ट शॉपिंग मैं भी मतलब काफ़ी टाइम बाद जाऊँगी शॉपिंग करने, क्योंकि जो है 1-1.5 महीने से जो है घर से निकली ही नहीं हूँ, मतलब हमारे यहाँ 1.25 महीने तक मैंने बताया था कि निकलती ही नहीं है बाहर, तो बस अब 1.25 महीना हो गया है तो मुझे मतलब अब इनाया के लिए भी कुछ खरीद के लाना है, क्योंकि उसके लिए जो है मैं लाई नहीं हूँ अभी तक कुछ भी। तो बस अब मैं जाऊँगी शाम को और उसके लिए कुछ शॉपिंग करके लाऊँगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में शॉपिंग के साथ। तो अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का बटन क्लिक ज़रूर करें जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।